शुक्रवार को आर्मी भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के सेना भारती निदेशक कर्नल बॉबी जसरोटिया सेनल मंडल ने मीडिया को संबोधित किया और सेना भर्ती चुनौती के विषय में जानकारियां दी। बताया कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी तो दूसरे चरण में फिजिकल और मेडिकल होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये है, जिसमें 250 रुपये भारतीय सेना देगी और 250 रुपये उम्मीदवारों को देना होगा। उम्मीदवार भुगतान पोर्टल पे अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से शुल्क जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, सीईई के वीडियो यूट्यूब पर डाली गई है, जिससे उम्मीदवार इसे समझ सकेंगे। सीईई के पैटर्न और सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सभी कैटेगरीज के लिए प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक भी साइट पर डाला गया है और कैंडिडेट्स घर पर ही सीईई की अभ्यास कर सकते हैं। सेना भारती निर्देशक कर्नल बॉबी जसरोटिया सेनल मंडल ने उम्मीदवारों और उनके माता पिता से अनुरोध किया कि वे दलालों के चंगुल में ना आए। बता दें कि 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना। हर डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर के साथ जोड़ा गया है। कैंडिडेट का आधार के साथ उसका मोबाइल नंबर कनेक्ट किया गया है और इससे ये सुविधा हो जाएगी कि कोई भी जो फ्रॉडुलेंट एनरोलमेंट है उससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और सही आदमी सेना में आएगा। अगर बुनियाद ठीक है तो इमारत बुलंद होगी। इसमें जो परिवर्तन किया गया है, कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए कुल जो फीस है वो 500 रुपीज़ है, जिसमें से कि 250 रुपया कैंडिडेट को देना पड़ेगा और 250 भारतीय सेना वहन करेगी। बच्चों को ये बताया गया है कि जो आपने पेमेंट करनी है, आपके जो डेबिट कार्ड है वो आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू सारा काम किया जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये प्रक्रिया पूर्ण होने से जो लंबे ड्यूरेशन तक हमारी भर्ती प्रक्रियाएं चलती थी, उतने हमारे वर्किंग आवर्स कम होंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ रैलीज का जो कंडक्ट है वो बहुत स्मूथली होगा। आपने अभी देखा होगा कि बच्चों की सुविधा के लिए हमारे 4 YouTube के ऊपर वीडियोस बनाए गए हैं, 2 हिंदी में और 2 इंग्लिश में। जिन बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, वो ये वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई संचय या प्रॉब्लम आती है तो उनकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे एक हेल्पलाइन डेस्क बना रखा है। प्रोजेक्टर लगा के वो वीडियोस बच्चों को दिखाए जा रहे हैं और हमारे द्वारा एक जो हमारा डीलिंग क्लर्क है उसको डिटेल किया गया है ताकि वो इन बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। अभी जब आप एआरओ में आए हैं, आपने देखा होगा 40 से 50 कैंडिडेट्स जिनको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, वो यहाँ आके बैठे हैं। आपसे रूबरू होने के उपरांत उन बच्चों को ये वीडियोस दिखाए जाएंगे और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे बीट कम है, हमारा आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आप लोगों से ये अनुरोध है कि ये चीज़ जो परिवर्तन हुआ है इसको हमारे जो एआर के 8 जिले हैं उनमें दूर दराज के जो बच्चे किसी कारणवश अपडेट नहीं हो पाते हैं उन तक ये हमारा संदेश पहुँचाएँ और इस भर्ती प्रक्रिया को सफल बनने में हमारा सहयोग करें।